बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ, और आप देख ही रहे होंगे। ये है पालक। ये पालक की और मैं अंडे की एक भुजिया टाइप की बनाऊंगी, जो कि बहुत ही लजीज बनेगी और मैंने 2-3 बार घर में भी बनाई है। ये मैंने जब हम आउट ऑफ सिटी थे तो तब मैंने एक होटल पे खाई थी और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं 2-3 बार घर पे भी बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर की जाए। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो पालक, और इस पालक को मैं हल्का सा बॉईल करके और इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। टमाटर लिए मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, जो मैंने कट कर लिए हैं। 1 प्याज लिए, जिसका मैं बघार दूंगी। और ये ज़ीरा है, ये 1/2 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हैं और 1/4 कुटी हुई मिर्चें हैं। हल्दी है 1/4 टेबल स्पून, और नमक हसबे जायका है, मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि पालक में भी होता है नमक, और इसलिए ज़रा टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग डालिएगा, तो मैं इसमें ज़रा कम ही यूज़ करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने पालक अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छा, ये मैंने मोटा मोटा काटा था, क्योंकि ये वैसे भी सिर्फ एक 2-3 मिनट ही बॉईल करूँगी मैं इसको, और उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैं देखिए मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको। ये देखिए, ये पालक मैंने रख दिया है, ये इसी पानी के अंदर ही पालक जो मैंने वॉश किया था ना, ये इसी पानी के अंदर हो जाएगा। और अजाने भी हो रही है, तो बस ये 20-25 मिनट में बन जाएगा आराम से, जल्दी ही बनता है और बहुत इजी इसका पूरा प्रोसेस है। ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। एक हाँ, अब इसके अंदर मैं प्याज फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन। ये प्याज है, देखिए प्याज में मचाना शुरू कर दिया इसको। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, और अब मैं ये ज़ीरा ऐड कर दूँगी, जीरे के साथ मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन, और इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर का अपना पानी होगा, टमाटर इसी के साथ हो जाएंगे, इसी के साथ गल जाएंगे टमाटर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी आलू, ये मेरी भुनाई भी हो जाएगी और इसके साथ इसके आलू भी गल जाएंगे। ये देखिए, अब ये आलू गल जाए फिर आपसे मिलती हूँ जी। ये देखें, ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और आलू भी तकरीबन मेरे गल गए हैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पालक जो मैंने ग्राइंड किया था। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, और ये देखिए जी,
और पालक का जो अपना पानी होगा, जब यह खुश्क होगा पालक का अपना पानी, तो फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है इसकी, और ये देखिए, और इसने अपना ऑयल वगैरह भी, जब इसमें से ऑयल अलग होने लगे तो इसका मतलब है कि ये भुनाई अच्छे से हो गई है इसकी। और अगर इसको मीडियम आंच पे हम रखेंगे तो इसको ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरे आलू भी गल गए हैं और पालक भी अच्छी तरीके से हो गया। और ये देखें आप, सबसे अच्छी बात कि पालक का कलर चेंज नहीं हुआ, ये ब्राउन कलर का नहीं हुआ, और ये देखिए ये ग्रीन ही है। तो अलग कुक करके अगर मैं इसको ग्राइंड करती तो इसका कलर चेंज हो जाता है। देखो मैंने थोड़ा सा ही कुक करके और इसको ग्राइंड किया था, तो इसकी ये। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अंडे। ये देखिए, अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर अंडे। ये बन गई है स्पेशल डिश, ये देखिए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। ये देखिए जनाब, इतने खूबसूरत और लजीज, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार, सबसे बढ़ के जायकेदार बहुत है ये। ये भुजिया तैयार है। ये है एक यूनिक सी, जो कि आपने बहुत जगहों पे बनाया भी होगा और खाया भी होगा। गोश्त पालक बनता है, आलू गोश्त बनता है, आलू गोश्त पालक और शलजम पालक बनता है, मगर ये अंडों के साथ ये मैंने बनाई है और बेहद लजीज और मज़ेदार। अच्छा, इसके अंदर मैं मक्खन डालूँगी, और ये देखें ये मक्खन है, और ये देखें ये गरम गरम जब पिघलेगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो डाल दें और नहीं चाहें तो देख लें, वैसे बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं ये मक्खन भी डालूँगी, ये देखें, ये अभी थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू होगा और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये देखिए जी। अच्छा, मेरी वीडियो अगर पसंद आए आपको, और यकीनन पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे, मेरे हस्बैंड को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, और बहुत सारी दुआओं के साथ एक नई रेसिपी में दोबारा लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।